close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hello friends, welcome to my channel High Level Computing. मेरा नाम नटराज है. दोस्तों आज मैं आपको विलेज के लोग रिवर में 10 मिनट में कैसे मछली पकड़ते हैं ये दिखाने वाला हूँ. आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये उबला हुआ चावल और गेहूं के आटे का मिश्रण है. इसके गोले बनाकर प्लेट के बीच में ऐसे रख दिया जाता है और इसके ऊपर एक कपड़ा ढक के बांध दिया जाता है. बाद में उस कपड़े में एक छेद भी किया जाता है और इसको जहाँ पर ज्यादा मछलियां दिखती है वहां पर रख के 10 मिनट तक हमें वेट करना होता है. बारिश के सीजन में ये तरकीब काम नहीं करती क्योंकि आप अगर प्लेट रख के भी आएंगे तो वो पानी के तेज बहाव के कारण बह के चला जाएगा. इन प्लेट्स को रखने के लिए पानी का गहरा होना जरूरी नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है कि ज्यादातर मछलियां कहाँ पर खेल रहे हैं. जहां पर भी मछलियां ज्यादा दिखे वहां पर आपको प्लेट रख के आना है. जैसे ही आप प्लेट रखेंगे मछलियां खाना ढूंढते हुए प्लेट के नजदीक में आ जाते हैं और वहां पर जो कपड़े में आप लोग छेद बनाए होते हैं उसमें से वो खाना देखते हैं और खाने की कोशिश करते हैं. ऐसे करते करते वो अंदर चले जाते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं. उन्हें देखकर और भी मछलियां अंदर जाने लग जाती हैं. इस तरह से हमें एक प्लेट में कई सारे छोटे छोटे मछलियां मिल जाते हैं. यहाँ पर देखिए ये प्लेट रखने के लिए बहुत अच्छा जगह है. यहाँ पर पानी बहुत गहरा भी नहीं है. देखिए अब इन्होंने एक प्लेट यहाँ पे रख दिया है. अब जाके दूसरी प्लेट की तैयारी करेंगे और उस प्लेट को भी जाके कहीं पर रख देंगे. शायद इस प्लेट को ये यहीं पर रखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर धूप भी अच्छा है और मछलियां भी ज्यादा खेल रहे हैं. दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रहे, अगर आप लोग इस तरकीब से मछली पकड़ना चाहते हैं तो धूप का होना बहुत जरूरी है. दोस्तों प्लेट रखने के बाद अगर उसमें कोई बबल्स होते हैं तो उन बबल्स को जरूर निकाल दीजिएगा और हमेशा प्लेट को ऐसे रखे कि वो वहां से हिले नहीं. अब देखिए दोस्तों हम ऐसा एक छोटा सा डिब्बा लेके उसमें भी खुराक डाल के बांध के हम रख सकते हैं. इसमें भी मछलियां आके फंसेंगे. और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, वो क्या है कि आप जो कपड़ा यहाँ पर लेने वाले हैं वो अगर व्हाइट कलर का ना हो तो अच्छा है. आप डार्क कलर का कौन सा भी कपड़ा इसके लिए यूज कर सकते हैं. और रिवर में चलते वक्त थोड़ा सावधानी से जाइएगा क्योंकि बोतल वगैरह वहाँ पर गिरे हुए हो सकते हैं. गांव के लोगों के पास इस तरह के कई टेक्निक्स होते हैं जिसको यूज करके वो लोग केकड़े और कई सारे मछलियों को हमेशा पकड़ते रहते हैं. लेकिन शहर में रहने वालों को हमेशा मछली खरीद के ही लाना होता है. और इन लोगों का ये भी कहना है कि जो खारे पानी की मछली होते हैं उन मछलियों से ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं. देखिए यहाँ पर और एक जगह मिल चुका है. यहाँ पर भी हम टिन रखेंगे और मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कितने मछलियाँ मिलेंगे. प्लेट्स को रखने के बाद हमें वापस आ जाना है. अगर हम वहीं पर रुकेंगे तो वो मछलियाँ प्लेट्स के नज़दीक नहीं आएंगे. अब लगभग 10 मिनट छोड़ के हम प्लेट्स निकाल के लाने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे किस किस प्लेट में कितने कितने मछलियां फंसे हैं. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. देखिए दोस्तों, पहले प्लेट से हमें इतने मछलियां मिल चुके हैं. अब चलिए दूसरे प्लेट को भी निकाल के लाते हैं और देखेंगे उसमें कितने मछलियां हैं. देखिए
आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्लेट के मुकाबले हमें यहाँ पर और भी ज्यादा मछलियाँ मिल चुके हैं। और अब बारी है इस डिब्बे को चेक करने की। अब हम देखेंगे इसमें कितने मछलियाँ फंसे हैं। देखिए दोस्तों, इस डिब्बे में हमें इतने मछलियाँ मिल चुके हैं।